तो ये तो सभी जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के 14 वर्ष के वनवास से लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दिए जलाए थे और यही वजह है कि हर साल कार्तिक महीने के अमावस्या को दिवाली का पावन त्योहार मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है दिवाली के दिन साईं बाबा की पूजा का अलग महत्व है। इस दिन पूरा शिरडी दीपक और लाइटों से जगमग उठता है। भक्त दूर दूर से आकर साईं बाबा के मंदिर को सजाते हैं। शिरडी में दिवाली के समय 5 दिनों तक दीपोत्सव का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन ऐसा क्यों, आपको दिखाते हैं। कोई फकीर कहता है, कोई कहता है भगवान। साईं करते हैं समस्या का समाधान। जो पानी से दिया जलाए वो है साईं भगवान। अपने भक्तों का सम्मान है साईं। किसी के लिए भगवान तो किसी के लिए चमत्कार है साईं। कोई उन्हें गुरु मानकर पूछता है तो कोई साईं को चमत्कार मानता है, और इसी वजह से कहा जाता है कि जो शिरडी में आएगा आपदा को दूर भगाएगा। इस दीपावली पर भी शिरडी में भक्तों की भारी भीड़ जुटी है। पूरा शिरडी रोशनी से जगमगा उठा है। दीपावली पर शिरडी में अलग अलग रौनक नजर आती है। दिवाली है और इस दीपावली साईं का दरबार रोशन है, जगमग है, हर्षोल्लास से भरा है। भक्तों की अपार भीड़ आ रही है क्योंकि शिरडी में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। इस दीपोत्सव को मनाने के पीछे एक मान्यता है। दरअसल ये कहा जाता है कि साईं बाबा यहाँ एक मस्जिद में रहा करते थे। वो पास के बाजार के दुकानदारों से रोज तेल मांग कर लाते थे और दीपक जलाते थे। एक दिन दिवाली थी, साईं हर रोज की तरह दुकानदारों के पास तेल मांगने के लिए पहुंचे और उस दिन दुकानदारों ने तेल देने से इनकार कर दिया। मस्जिद में उनके भक्त इंतजार कर रहे थे कि उनके साईं आएंगे और दीपक जलाएंगे, लेकिन साईं बाबा के खाली हाथ लौटने पर उनके भक्त निराश हो गए। बाबा अपने भक्तों की निराशा को समझते हुए चमत्कार कर बैठे। ऐसा चमत्कार कि तब से दीपावली के दिन शिरडी में दीपोत्सव मनाने की परंपरा शुरू हो गई। दरअसल जब साईं ने अपने भक्तों को निराश देखा तो वो समझ गए कि अपने भक्तों की निराशा को दूर करने के लिए उन्हें कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने वहां मौजूद एक कुएं से एक घड़ा पानी खींचा और फिर बाबा ने उस घड़े में अपने डिब्बे में बचे तेल की कुछ बूंदे डाल दी। बाबा इसे डिब्बे में लोगों से भिक्षा में तेल मांग कर लाते थे और साईं ने तेल को दिए में डाला, रुई की बाती बनाकर उसमें डालकर जला दिया। साईं के भक्त उनके इस चमत्कार को देखकर दंग रह गए और उस दिन से ही साईं के दरबार में दीपावली मनाई जाने लगी। पूरा शिरडी लाइट और दीपक से सजने लगा। उनके दरबार को सजाने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं और इस बार भी कुछ भक्त पहुंचे, दरबार को लाइटों से जगमगा दिया। वो कहते हैं कि इससे उन्हें आनंद आता है। ये जो दिवाली में बाबा पानी में दिया जलाए थे, इसीलिए हम लोग भुवनेश्वर श्री साई कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट से कुछ भक्त आके मंदिर में, जो साई बाबा संस्थान मंदिर में रिक्वेस्ट किया, हम लोग दिवाली में लाइटिंग डेकोरेट करेंगे। इसीलिए मेरे को लाइटिंग डेकोरेट बाबा का कृपा से मिल गया और हम लोग आके लाइटिंग का डेकोरेट दिवाली में किया। और ये जो लाइटिंग डेकोरेट करने से बहुत आनंदित होता है और बाबा का जैसे बाबा दिवाली का दिन भक्त लोगों को कुछ तेल मांगे थे, भक्त लोग दिए नहीं, पानी में बाबा दिया जलाए थे, इसीलिए हम लोग खुद मन से मतलब आके इधर लाइटिंग किए बाबा का मंदिर को लाइटिंग करने के लिए। और लाइटिंग करने से जो सेवा मिला है बहुत आनंदित हूँ मैं। साईं
साईं मंदिर के कलश और परिसर में वार्म व्हाइट लाइटिंग का अद्भुत नजारा दिखाई दे रहा है। साईं का दरबार लाइटिंग और डेकोरेशन से जगमगा उठा है। कहते हैं कि शिरडी में इस पर्व को हिंदू मुस्लिम सब मिलकर ही मनाते हैं। दूर दूर से साईं भक्त दीपावली के दिन शिरडी आते हैं। कहा यह भी जाता है कि जो चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर, मतलब कि साईं बाबा की समाधि पर पैर रखते ही भक्तों के दुख दूर हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।